बेटा नारद, वे दोनों शिव और शिवा पुत्र स्नेह से विहल होकर प्रत्येक पर्व पर कुमार को देखने के लिए जाते हैं। अमावस्या के दिन वहां स्वयं शंभु पधारते हैं और पूर्णिमा के दिन माँ पार्वती जाती है। मुनीश्वर, तुमने स्वामी कार्तिक और श्री गणेश जी का जो वृतांत मुझसे पूछा था, वह सब मैंने तुमसे कह सुनाया। इसे सुनकर बुद्धिमान मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और उसकी सभी शुभकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो मनुष्य इस चरित्र को पढ़ता अथवा सुनता एवं सुनाता है, निसंदेह उसके सभी मनोरथ सफल हो जाते हैं। यह अनुपम आख्यान पापनाशक, कीर्तिप्रद, सुखवर्धक, आयु बढ़ाने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला, पुत्र पोत्र की वृद्धि करने वाला, मोक्षप्रद, भगवान शिव के उत्तम ज्ञान का प्रदाता, शिव और माँ पार्वती में प्रेम उत्पन्न करने वाला, भगवान शिव की भक्ति वर्धक है। यह कल्याणकारक भगवान शिव के अद्वैत ज्ञान का दाता और सदा शिवमय है। अतः है मोक्षकामी एवं निष्काम भक्तों को सदा इसका श्रवण करना चाहिए। रुद्र संहिता पंचम, युद्ध खंड। तारक पुत्र तारकाक्ष, विधुन्नमाली और कमलाक्ष की तपस्या, श्री ब्रह्मा द्वारा उन्हें वर प्रदान, माया द्वारा उनके लिए तीन पुरों का निर्माण और उनकी सजावट शोभा का वर्णन। महर्षि नारद जी ने कहा, पिताजी, जो श्री गणेश और स्वामी कार्तिक की उत्तम कथाओं से ओतप्रोत तथा आनंद प्रदान करने वाला है, भगवान शंकर के गृहस्थ संबंधी उस उत्तम चरित्र को हमने सुन लिया। अब आप कृपा करके उस परमोत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए, जिसमें भगवान रुद्रदेव ने खेल ही खेल में दुष्टों का वध किया था। महान वीर्यशाली भगवान शंकर ने देवद्रोहियों के तीनों नगरों को एक साथ ही एक ही बाण से किस कारण एवं कैसे भस्म कर डाला। भगवान जिनके भाल में बाल चंद्रमा सुशोभित हैं तथा जो सदा माया के साथ विहार करने वाले हैं, उन भगवान शंकर का चरित्र तो देव ऋषियों को भी आनंद प्रदान करने वाला है। आप वह सारा चरित्र विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री ब्रह्मा जी बोले, ऋषि श्रेष्ठ, पहले किसी समय व्यसन ने श्री सनत कुमार से ऐसा ही प्रश्न किया था। उस समय श्री सनत कुमार ने जो कुछ उत्तर दिया था वही मैं वर्णन करता हूँ। उस समय श्री सनत कुमार ने कहा था, महाबुद्धिमान व्यास जी, विश्व का संहार करने वाले चंद्रमौली भगवान शिव ने जिस प्रकार एक ही बाण से त्रिपुर को भस्म किया था, वह चरित्र कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। मुनीश्वर, जब भगवान शिव कुमार स्कंद ने तारकसुर को मार डाला, तब उनके तीनों पुत्रों को महान संताप हुआ। इसमें तारकाक्ष सबसे ज्येष्ठ था, विधुन्नमाली मंझला था और छोटे का नाम कमलाक्ष था। उन तीनों में समान बल था। जो जितेंद्रिय सदा कार्य के लिए उदत संयमी, सत्यवादी, दृढ़चित्त और महान वीर और देवों से द्रोह करने वाले थे, उन तीनों ने सभी उत्तमोत्तम एवं मनोहर भोगों का परित्याग करके मेरु पर्वत की एक कंदरा में जाकर परम अद्भुत तपस्या आरंभ की। वहां उन्होंने हजारों वर्षों तक श्री ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए अत्यंत उग्र तपस्या की। तब सुर और असुरों के गुरु महायशस्वी ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से अत्यंत संतुष्ट होकर उन्हें वर देने के लिए प्रकट हुए। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, महादैत्यो, मैं तुम लोगों के तप से प्रसन्न हो गया हूँ, अतः है तुम्हारी कामना के अनुसार तुम्हें सभी वर प्रदान करूँगा। देवद्रोहियों, मैं सबकी तपस्या के फल का दाता और सर्वदा सब कुछ करने में समर्थ हूँ, अतः बताओ तुम लोगों ने घोर तप किस लिए किया है। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, श्री ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर उन सब ने अंजलि बांध कर पिता महा के चरणों में प्राणिपात किया और फिर धीरे धीरे मन की बात कहना आरंभ किया। दैत्य बोले, देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हमें वर देना चाहते हैं तो यह वर दीजिए, समस्त प्राणियों में हम सब के लिए अवध्य हो जाएं। जगन्नाथ, आप हमें स्थिर कर दे और हमारे जरा रोग आदि सभी शत्रु नष्ट हो जाएं तथा कभी भी मृत्यु हमारे समीप ना फटके
हम लोगों का ऐसा विचार है। हम लोग अजर अमर हो जाएं और त्रिलोकी में अन्य सभी प्राणियों को मौत के घाट उतारते रहें, क्योंकि ब्राह्मण यदि 5 ही दिनों में काल के गाल में चला जाना निश्चित ही है, तो अतुल लक्ष्मी उत्तमोत्तम नगर, अनन्य भोग सामग्री, उत्कृष्ट पद और ऐश्वर्यों से क्या प्रयोजन। मेरे विचार से तो उस प्राणी के लिए ये सभी व्यर्थ है। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, उन तपस्वी दैत्यों की यह बात सुनकर श्री ब्रह्मा अपने स्वामी गिरिशयी भगवान शंकर का ध्यान कर बोले। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, असुरो, अमृतत्व सभी को नहीं मिल सकता, अतः तुम लोग अपना यह विचार छोड़ दो। इसके लिए अतिरिक्त अन्य कोई वर जो तुम्हें रुचता हो वह मांग लो, क्योंकि दैत्यो इस भूतल पर जहाँ कहीं जो प्राणी जन्मा है अथवा जन्म लेगा वह जगत में अजर अमर नहीं हो सकता। इसलिए पाप रहित असुरो, तुम लोग स्वयं अपनी बुद्धि से विचार कर मृत्यु की वंचना करते हुए कोई ऐसा दुर्लभ एवं दुस्साहवर मांग लो जो देवता और असुरों के लिए असाध्य हो। उस प्रांग में तुम लोग अपने बल का आश्रय लेकर पृथक पृथक अपने मरण में किसी हेतु को मांग लो, जिसमें तुम्हारी रक्षा हो जाए और मृत्यु तुम्हें वर्ण न कर सके। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, श्री ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर वे 2 घड़ी तक ध्यानस्थ हो गए। फिर कुछ सोच विचार कर सर्वलोक पितामह श्री ब्रह्मा जी से बोले, दैत्यों ने कहा, भगवान, यद्यपि हम लोग प्रबल पराक्रमी हैं, तथापि हमारे पास कोई ऐसा घर नहीं है जहां हम शत्रुओं से सुरक्षित रहकर सुखपूर्वक निवास कर सके। अतः आप हमारे लिए ऐसे 3 नगरों का निर्माण करा दीजिए जो अत्यंत अद्भुत और संपूर्ण संपत्तियों से संपन्न हो, तथा देवता जिनको नष्ट ना कर सके। लोकेश, आप तो जगत गुरु हैं, हम लोग आपकी कृपा से ऐसे 3 पुरों में अधिनिश्चित होकर इस पृथ्वी पर विचरण करेंगे। इसी बीच तारकाक्ष ने कहा, विश्वकर्मा से मेरे लिए जिस नगर का निर्माण कराएं वह स्वर्णमय हो और देवता भी उसका भेदन न कर सके। तत्पश्चात कमलाक्ष ने चांदी के बने हुए अत्यंत विशाल नगर की याचना की और विधुंत माली ने प्रसन्न होकर वज्र के समान कठोर लोहे का बना हुआ बड़ा नगर मांगा। ब्राह्मण, ये 3ों पुर मध्याह्न के समय अभिजीत मुहूर्त में चंद्रमा के पुष्प नक्षत्र पर स्थित होने पर एक साथ मिला करें और आकाश में नीले बादलों पर स्थित होकर ये क्रमशः एक के ऊपर एक रहते हुए लोगों की दृष्टि से ओझल रहें। फिर पुष्प्रावृत नामक काल मेघों के वर्षा करते समय 1 सहस्त्र वर्ष के बाद ये 3ों नगर परस्पर मिले और एकाकी भाव को प्राप्त हो, अन्यथा नहीं। उस समय कृतिवासा भगवान शंकर, जो वैर भाव से रहित सर्वदेवमय और सबके देव हैं, लीला पूर्वक संपूर्ण सामग्रियों से युक्त 1 असंभव रथ पर बैठकर 1 अनोखे बाण से हमारे पुरों का भेदन करें। किंतु भगवान सदा शंकर हम लोगों के वंदनीय, पूज्य और अभिवादन के पात्र हैं, अतः हम लोगों को भस्म कैसे करेंगे। मन में ऐसी धारणा करके हम ऐसे दुर्लभ वर को मांग रहे हैं। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, उन दैत्यों का कथन सुनकर सृष्टिकर्ता लोक पितामह श्री ब्रह्मा ने भगवान शिव का स्मरण करके उनसे कहा, अच्छा ऐसा ही होगा। फिर मैं को भी आज्ञा देते हुए उन्होंने कहा, हे मैं, तुम सोने चांदी और लोहे के 3 नगर बना दो। यो मैं को आदेश देकर ब्रह्मा जी उन तारक पुत्रों के देखते देखते अपने धाम स्वर्गलोक को चले आए।